अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में और 12 राशियों के बारे में जानते हैं कि इस नवरात्रि पर हर राशि के जातकों को क्या खास करना चाहिए, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या खास उपाय करना है जिससे ये नवरात्रि उनके लिए शुभ फलदायी साबित हो। आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि नवरात्रि में आप अपने ग्रहों की कैसे पूजा पाठ करें, क्या सावधानी बरतें, माता को क्या अर्पित करें जिससे आपकी ग्रह दशाएं ठीक हों। कई बार व्यक्ति की ग्रह दशा खराब होती है और यदि वो मां की शरण में रह करके अगर पूजा अर्चना करता है तो व्यक्ति की जो प्रतिकूल ग्रह स्थिति है वह भी अनुकूल फल देने लगती है। तो मैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के बारे में बताएंगे कि आप माता जी की पूजा कैसे करें, कौन सा रंग का पुष्प अर्पित करें और क्या माँ को चढ़ावें जिससे आपका यह पूरा वर्ष अच्छा हो, आपका जीवन स्वर्णिम हो, आपको सुख समृद्धि मिले, सफलता मिले और आपकी परेशानियों का समूल नाश हो। तो आइए आप बताते हैं और आपके घर पर माता भगवती की कृपा बरसे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि लाल रंग के पुष्प माँ दुर्गा को अर्पित करना है। इसमें गुड़हल हो सकता है, गुलाब हो सकता है, लाल कनेर हो सकता है, लाल कमल अथवा किसी भी तरह की लाल पुष्प हो, उसमें पूजा करके माँ भगवती को प्रसन्न कर मंगल जनित दोषों के कुप्रभाव से बच सकते हैं। और उपाय क्या करना है, आपको क्या करना है कि कवच कीलक अर्गला का पाठ करें। और आज आपके लिए जो शुभ अंक है वह एक है, शुभ रंग है केसरिया। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि जगत की अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप गुड़हल, श्वेत रंग का कनेर, सदाबहार, बेला, हरसिंगार इत्यादि जितने भी श्वेत प्रजाति के पुष्प हैं वो माँ की आराधना करने कर सकते हैं उसे, और आराधना करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है जिससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य विलासतापूर्ण चीज़ें बढ़ेंगी, माता की कृपा बरसेगी आप पर, धन धान की स्थिति अच्छी होगी। जो बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित है कि घर नहीं बनवा रहे हैं, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं और विलासतापूर्ण चीज़ों से दूर हैं और लगता है कि आपके लाइफ में सुख समृद्धि नहीं आ पा रही है, तो आज आप ये सब अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज आपको उपाय में क्या करना है कि माता दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करना है। कैसे करना है, एक दिन में, आज पूरे नवरात्रि भर एक दिन में 32 बार लगातार पाठ करें और फिर क्या करें कि बीज मंत्र से हवन भी कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफ़ेद। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए पीला कनेर, गुड़हल, द्रोण पुष्पी, गेंदा का पुष्प, केवड़ा का पुष्प माँ की आराधना के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे आपके अभिष्ट की सिद्धि प्राप्ति होती है और इस पुष्प को अर्पित करने से माता बड़ी प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, आपके पूरे खानदान की रक्षा करती हैं, पूरे कुल की रक्षा करती हैं। तो आपको क्या करना है कि जगत के अधिष्ठात्री देवी माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का पुष्प अर्पित करते हैं तो आपका पूरा वर्ष पर्यंत अच्छा रहेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, धन धान की स्थिति अच्छी होगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ेगा, आध्यात्मिक विकास होगा, रोग और शत्रु का विनाश होगा। उपाय क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नवरात्रि में बहुत महत्वपूर्ण फल का दायक होता है, और यदि आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। और 11 लवंग चढ़ाना माता जी को ना भूलिए। और आज के लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सी ग्रीन। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रंग का कमल, श्वेत रंग का कनेर, गेंदा का पुष्प, गेंदा भी सफ़ेद रंग का होता है, गुड़हल सफ़ेद, सदाबहार, चमेली, रात रानी और अन्य प्रकार के जितने भी पुष्प हैं जो श्वेत होते हैं और गुलाबी पुष्प, उनसे माँ की आराधना करिए। इन पुष्पों की आराधना से माँ अति प्रसन्न होती हैं, भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है और अपने पुत्रों को काफ़ी लाभ देती हैं और उनको सुख समृद्धि देती हैं, उनको मार्गदर्शन का काम करती हैं और आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर करती हैं और आपके परिवार पर, कुल पर, संततियों पर, वंश पर माँ की कृपा बरसती है।
तो और उपाय क्या करना है? आपको उपाय करना है कि सप्त श्लोकी दुर्गा होता है, सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है दो, शुभ रंग है सफेद। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आज आप किसी तरह के पुष्प में जैसे कमल है, गुलाब है, कनेर है, गुड़हल है, इससे माँ की पूजा करिए, इससे माँ की कृपा बरसेगी। और गुड़हल का पुष्प की से पूजा करने से आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा और माँ दुर्गा की अति कृपा बरसेगी और आप माता के अति प्रिय होंगे। और जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के निमित्त अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अनुकूल फल मिलेगा। और यदि आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा ठीक नहीं चल रहा है, तो ये पूजा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है? आज आपको क्या करना है कि अर्गला स्त्रोत्र का पाठ करना है। अर्गला स्त्रोत्र का पाठ करना माता के लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है एक, शुभ रंग है केसरिया। और अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि गुड़हल, गुलाब, गेंदा, हरसिंगार, मालपुआ या किसी भी तरह के अति सुगंधित पुष्पों से माँ दुर्गा की आराधना करिए और माँ दुर्गा के शरण में रहिए और उनसे अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करिए। और साथ ही साथ इस माता जी की पूजा करने से आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह खराब है तो मजबूत होगा और अनुकूलता लिए हुए होगा और इससे आपका समय अच्छा होगा। उपाय क्या करना है? तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है 6 और आपके लिए शुभ रंग है हरा। गुरु जी, आपने तो 6 राशियों के बारे में बताया कि कैसे वो ध्यान रखे, किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा करे। अब हमारे दर्शकों को बाकी बचे के 6 राशियों के बारे में भी बताइए कि खास विधि से, विधान से वो माता रानी को मनाए। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि माता जी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, वेबेला, चमेली और आदि पुष्पों से माँ भगवती की आराधना जरूर करें। इससे आपके ग्रहों की अनुकूलता होगी और अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है तो इस माता की पूजा करने से, इस फलों से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ेगा, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा, आपको नौकरी मिलेगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, विरोधी औधे मुँह गिरेंगे, खड्यंत्रकारी विफल होंगे। उपाय क्या करना है? माँ दुर्गा के 32 नाम का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का पुष्प अर्पित करिए, पीले रंग का पुष्प, गुलाबी पुष्प और पूजा करके माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें, मालपुआ अर्पित करें और लाल कमल से माता जी की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। और इस तरह के पुष्प से पूजा करने से यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब है तो मंगल ग्रह मजबूत होगा और आप आगे बढ़ेंगे, तो ये जरूर करें, आपके लिए बेहतर होगा। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि आज आपको शयन नहीं करना है और पूरा मंत्रों का जप करना है। उपाय क्या करना है? तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माता जी को प्रसन्न करने के लिए कमल का पुष्प अर्पित करिए, कनेर, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, केवड़ा और कनेर के सभी प्रजातियों के पुष्पों से माँ का पूजन करिए, इससे माँ बहुत खुश होती हैं और माँ का आशीर्वाद आप पर प्राप्त होता है। और इन फूलों से पूजा करने से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है और घर में शुभता आती है, शुभ कार्य होता है, भूमि भवन जमीन खरीद सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है तो विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। उपाय क्या करना? सिद्धि कुंज का स्त्रोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए नीले रंग का पुष्प, कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि से माँ शक्ति की पूजा आराधना करिए और माँ की शरण में रहिए, माँ से प्रार्थना करिए, माँ की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह बहुत जरूरी है। और यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, शनि की महादशा है, ढैया है,
तो शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए और अपने इष्ट की कामयाबी हासिल करने के लिए आप इस मंत्र का जप करिए, आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं और आपको रोग शत्रु से मुक्ति मिलेगी, विरोधी परास्त होंगे। उपाय क्या करना है, कवच कीलक अर्गला का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है हल्का ग्रे। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि नीले रंग के पुष्प, गेंदा और सभी प्रकार के कमल, जितने प्रकार के रंग के कमल होते हैं, वो गुड़हल और कनेर, बेल, चंपा इत्यादि पुष्प से माता जी की आराधना करिए, माँ शैलपुत्री की आराधना करिए, उनको रात रानी का पुष्प भी अर्पित करिए, इससे माँ भगवती की आराधना करिए, उससे माँ भगवती की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी और आपके जो भी मनोरथ हैं पूर्ण होंगे और शनि ग्रह आपका मजबूत होगा। और आज आपके लिए उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है, कवच कीलक अर्गला का पाठ करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है लाल। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करिए और आप पीले कनेर की सभी प्रजातियां, सभी प्रकार के कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल की सभी प्रजातियों में पूजा माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको अर्पित करिए। और अगर आप इन पुष्प से पूजा करते हैं माता जी की, तो आपका जो देवगुरु बृहस्पति ग्रह है वो ठीक होता है और बृहस्पति से संबंधित आपकी परेशानियाँ दूर होती हैं। और उपाय क्या करना है, पूरे समस्त प्रकार के पाठ का लाभ लेने के लिए आप कवच कीलच अर्गला, सप्तश्लोकी दुर्गा, सिद्धि कुंजिका स्त्रोत्र, तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करिए, जिससे आपके ऊपर माँ की कृपा बरसे। शुभ अंक 3, शुभ रंग है पिंक।